हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल #smiley। गाइस, मुझे रिक्वेस्ट मिली थी कि मैम हमें चैप्टर का वेटेज बताओ, आप लोगों के चैप्टर का। तो मैं आपको आज लोगों के चैप्टर का वेटेज बताने वाली हूँ कि जो हर चैप्टर है वो कितने नंबर कवर करेगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, जो हमारा कंपनी लो वाला पार्ट है वो है हमारा 60 मार्क्स का आएगा, ठीक है, जिसके अंदर ये वाले चैप्टर्स क्या है प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। तो गाइज, ये मैंने जो सिलेबस है आप लोगों का वो इंस्टीट्यूट की साइट से डाउनलोड किया है, आप भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वरना मैं आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये जो आपको है सिलेबस वो मिल जाएगा। तो देखते हैं गाइज, देखो जो ये हमारा चैप्टर है, ये जो ऑडिट 9 चैप्टर 10 चैप्टर 9 चैप्टर और 8 चैप्टर, ये जो चैप्टर हैं हमारे, ये हमारे चैप्टर जो मार्क्स कवर करेंगे वो 10 से लेकर 15 तक हमारे मार्क्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारे ये 5 है 6 है और 7 है, जो ये मैंने एडमिनिस्ट्रेशन वाले चैप्टर हैं, जनरल मीटिंग वाला चैप्टर है, ये सारे जो तीनों चैप्टर मिलके हमारे 18 to 20 मार्क्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे ये वाले चैप्टर। गाइस, ये जो एक इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, डिसाइड किया कि इस चैप्टर से हम इतने मार्क्स के क्वेश्चन देंगे, तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। इसमें क्या हो सकता है, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी ना इसी पैटर्न पे आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद देखते हैं ये जो हमारा ये शेयर कैपिटल है, डिबेंचर है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, और जो हमारा ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और मैटर दे ट्रू, ये गाइज ये जो वाला पॉइंट है वो हमारे भी, ये वाले जो चैप्टर है ये वाले भी कितने मार्क्स के आने के रहते हैं, ये वाले भी हमें लगभग 18 to 20 तक क्या हमें इसके अंदर भी अपने देखने को मिलेगा इन तीन चैप्टर से। और जो ये प्रिलिमिनरी चैप्टर है गाइस, जिसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ना स्किप कर सकते हो। देखो, बिकॉज़ जो हमारा ये चैप्टर है प्रिलिमिनरी, उसके अंदर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को डिफाइन किया हुआ है। तो सेक्शन 2 के अंदर जो है वो कवर करता है सारी डेफिनेशन को कवर करता है कि किसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो आप इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हो, ये सारी की सारी जितनी भी डेफिनेशन है जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो, वो सारी की सारी डेफिनेशन है वो क्या है इन बाकी के सारे चैप्टर्स में भी आपको मिल जाएगी। इसलिए आप इस चैप्टर को क्या कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। और जो ये हमारा प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर है, इसमें से गाइज ये आप यूँ मान के चलो कि आराम से ये ना 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स 8 मार्क्स का आराम से ये जो ये वाला चैप्टर है वो कवर करता है। क्योंकि बिकॉज देखो, हर बार इंस्टीट्यूट है जो हमारा प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर है, जो प्रोस्पेक्टस के टाइप है, जो तीन टाइप है जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, उन तीनों टाइप में से एक टाइप पर हर बार इंस्टीट्यूट हर अटैम्प में एक शॉर्ट नोट लिखना देता है, हर बार इंस्टीट्यूट देता है। आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख सकते हैं, आपको हर बार मिलेगा। तो आप इससे ध्यान देना, जो प्रोस्पेक्टस की टाइप्स हैं उन पे ज़्यादातर ध्यान देना। अब जो इनकॉर्पोरेशन वाला है, ये वाला चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है, ये मान सकते हो आपकी ये कम से कम यूँ मान लो कि 5 मार्क्स का कवर करेगा, इससे ज़्यादा ये कवर नहीं करेगा। उसके बाद जो शेयर कैपिटल है, डिबेंचर है, ये वाला भी आप 6 to 8 मार्क्स का लेके चल सकते हो। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है, चार्ज वाला गाइस, इनमें आपको केस स्टडी पूछने का ज़्यादा वो रहता है। इसके अंदर एक वो आता है कि चार्ज हम कितने दिनों में क्रिएट कर सकते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला इस चैप्टर के अंदर वो पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है, जिस पे इंस्टीट्यूट ने 2018 नवंबर में क्वेश्चन भी पूछा था। तो आप ये चेक कर सकते हैं। और यहाँ इससे, इन दोनों चैप्टर से गाइस, दोनों चैप्टर से 5 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन आने का सवाल नहीं रहता है, सिर्फ 5 नंबर का आपको क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद आता है जो ये जो जनरल मीटिंग वाला चैप्टर है, जो हमारा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है, इससे गाइस 7 to 8 मार्क्स का पेपर आने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन, डिविडेंड्स है, बुक ऑफ अकाउंट्स है। गाइस, ये तीनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है गाइस। इन चैप्टरों पर आपको मस्ट सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है और ये आपको ईजिली लो पर पास करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। ये तीनों चैप्टर मान लो 10 से 15 मार्क्स भी कवर करते हैं और इससे ज़्यादा भी कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम 20 भी हो सकता है। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत स्कोरिंग और ये आपको अच्छे से नंबर दिलाएंगे, तो आप इन चैप्टर्स को स्किप बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद देखते हैं, ये तो हुआ हमारा 60 नंबर वाला काम इन 10 चैप्टर में, जो क्या है कंपनी लॉ से रिलेटेड है। अब आता है जो हमारा सेकंड पार्ट है, जो कंपनी लॉ से रिलेटेड नहीं है, यानी अदर लॉस, जो कितने मार्क्स कवर करेंगे, 40 मार्क्स को कवर करते हैं। तो अब देखो, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो मैक्सिमम यू मान के चलो 10 से लेकर 14 तक क्या करेगा, कवर करेगा आपका आपके एग्ज़ाम के अंदर। और उसके बाद आता है जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ये भी 8 से लेकर 10 तक क्या करेगा,
अपने पेपर को कवर करेगा, उसमें से 8 से लेकर 10 तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और गाइस जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर है, इसके अंदर ज़्यादातर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पर भी ज़्यादा फोकस करना। लेकिन हमें क्या करना है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी करने हैं और जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो दोनों क्वेश्चन करने हैं, ताकि हमें आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना आए एग्ज़ाम के अंदर, तो हम दोनों करके चलेंगे। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि ज़्यादा फोकस आप थोड़ा सा केस स्टडी अच्छे से करना है इसमें। उसके बाद आता है जनरल क्लोज और इंटरप्रिटेशन लो। गाइस इसमें एग्जैक्ट 20 मार्क्स का जो है पेपर में आने के चांसेस हैं, क्योंकि देखो जब से जो ये दोनों चैप्टर इंक्लूड हुए हैं, मई और नवंबर, हर अटैम्प्ट में 20 मार्क्स का एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और आपको 20 आप छोड़ स्किप भी नहीं कर सकते, इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन चैप्टर्स पे क्या है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये चैप्टर थोड़े ना हार्ड भी है, थोड़े ट्रिकी भी है, और आपको इन चैप्टर में पढ़ने में मज़ा भी आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप समझने लगोगे ना, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो ये मैक्सिमम 20 मार्क्स का कवर करते ही करते हैं, तो इस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, सो गाइस अब आपको चैप्टर का वेटेज पता चल चुका है कि जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो कितने मार्क्स का है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अपनी जो लो की तैयारी है वो कैरी ऑन कर सकते हो। इसमें आपको पता चल जाएगा अब जो चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जिनका मार्क जो क्या है हाई मार्क्स क्या है दे रहे हैं, और आपको जो इजी है बहुत ज़्यादा, तो आप उन चैप्टर को पहले करो, जो आपको लो को इजीली क्या करवाने पास करवाने में आपसे हेल्प करेंगे। जैसे जो ये हमारा ऑडिटर वाला है और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनी, ये वाले चैप्टर बहुत ईजी है गाइस, तो आप सबसे पहले इन्हें भी कर सकते हैं। और ये डिपॉजिट एक्सेप्टेंस और जो रिचार्ज, ये वाले चैप्टर भी बहुत ईजी है, जो आपको 5 to 8 मार्क्स दिला सकते हैं, तो आप इन्हें भी पहले कर सकते हो। प्रोस्पेक्टस वाला भी बहुत ईजी है, ये भी आप पहले कर सकते हो। जो भी चैप्टर आपको गए अच्छा आप वो पहले कर सकते हैं। और जैसे ये अदर लॉज के अंदर आप पहले सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर सकते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इजी है, जो आपको 10 to 14 मार्क्स भी दिलवा सकता है। तो आप ऐसे कर, अब आपको पता चल गया कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो गाइज आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मैंने इसमें आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की कि किस कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल #smiley को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय, ओके गाइस, बाय बाय, स्टे हेल्थी एंड कीप स्माइल।